नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली जाने वाली आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का वेट कर रही प्रत्येक माताओं व बहनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के तहत कुल मिलाकर 13,146 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस वर्ष मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिका जैसे विभिन्न पद जारी किए जाने वाले हैं। दोस्तों, तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने जा रही है, इस भर्ती के तहत आप सभी की आयु सीमा क्या निर्धारित की जाएगी, योग्यता क्या रहने वाली है, तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बनी रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जारी की गई आंगनबाड़ी न्यू भर्ती 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से दैनिक भास्कर के द्वारा आज ही जारी किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते होंगे, जहाँ पर बताया गया है कि 2 माह में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार, 21,000 नए पदों को मंजूरी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर प्रदान की संपूर्ण जानकारियों को आप सभी एक एक करके पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर बताया गया है कि राज्य सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया है। दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और MBPSC के जरिए जारी की जाएंगी। CM डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी है। ये वही पद हैं जो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हैं। इसी क्रम में मंत्रिमंडल ने 21,000 से अधिक नए पदों को सृजन के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें 13,146 पद महिला एवं बाल विकास विभाग के हैं और 6,388 पद आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग के देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आउटसोर्स के 1500 से भी अधिक पदों को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, इन पदों में से 13,146 पदों पर महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें आप सभी के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका जैसे कुल मिलाकर 13,140 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, काफ़ी सारे उम्मीदवारों के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन इन भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ कब से किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, जहां पर साफ साफ बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब आप सभी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती के साथ साथ ही जो और पद जारी किए जाएंगे उनके लिए दिसंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यानी कि दोस्तों अब आप सभी के पास 2 माह से भी कम का समय बचा हुआ है। इसलिए यदि आप भी इन भर्तियों के लिए इच्छुक हैं और इनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो अब आप सभी के लिए अपनी तैयारियों को तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फाइनली दिसंबर 2024 में आप सभी के लिए इन सभी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि इन भर्तियों के लिए आप सभी की योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दोस्तों, तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली जाने वाली आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए इच्छुक हैं और आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आप सभी के लिए इस भर्ती की योग्यता और इसकी उम्र सीमा और इसके महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसकी संपूर्ण जानकारी को आप सभी यहाँ पर देख ही सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, MP आंगनबाड़ी की इस भर्ती में केवल महिलाएं ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं, कोई भी पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती हेतु अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है।
इसके अलावा अभ्यर्थियों को रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा संबंधित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम सभी पदों के हिसाब से योग्यता का वर्णन करें तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप सभी मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को कक्षा 5वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सभी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों आइए तो अब हम इसके पश्चात जानते हैं कि इस भर्ती की एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रत्येक महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आप सभी के लिए 35 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी के लिए उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, यदि आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन दो पदों पर आप सभी का सिलेक्शन सीधे मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, अन्य जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों, तो इसके अलावा यदि हम इन भर्तियों के अंतर्गत लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें, आप सभी के लिए दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप सभी के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप सभी इन भर्तियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी आपके पास 2 माह का समय है, आप सभी के लिए इन सभी दस्तावेजों को तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, एमपी आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी के पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, यदि आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका के पदों पर अप्लाई करते हैं तो आप सभी के पास कक्षा 5वीं की मार्कशीट, कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है। वहीं दोस्तों, यदि इसके अलावा आप सभी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सभी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के पास आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड होना आवश्यक है। उसके अलावा आप सभी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र में आप सभी के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, आपका मोबाइल नंबर समग्र आईडी और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी के पास ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। तो इन सभी दस्तावेजों की सहायता से आप सभी मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 हेतु आवेदन को सफलतापूर्वक ही कम्प्लीट करा सकेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि इस वीडियो की सहायता से आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आपके मन में चल रहे सभी प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।